बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको मालूम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत मुबारक किस मकान में हुई? सही जवाब है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत मुबारक मक्का के उस मकान में हुई जो दार मोहम्मद बिन यूसुफ के नाम से है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जब आप बीमार थे कितने गुलामों को आजाद फरमाया? सही जवाब है 40 गुलामों को। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इमामत में पढ़ी जाने वाली आखिरी नमाज कौन सी थी और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कौन सी सूरत तलावत फरमाई? सही जवाब है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इमामत में पढ़ी जाने वाली नमाज मगरब थी और उसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सूरह मुरसलात तिलावत फरमाई। क्या आपको मालूम है कि जिन्नात को किस दिन पैदा किया गया? सही जवाब है जुमेरात को। क्या आपको मालूम है कि जिन्नात जमीन पर कितने सालों तक आबाद रहे? सही जवाब है 7000 साल तक। क्या आपको मालूम है कि असहाबे काफ की तादाद कितनी थी? सही जवाब है 7 अफराद थे। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला किसकी दुआ से याजूज माजूज को हलाक फरमाएगा? सही जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बददुआ से। क्या आपको मालूम है कि असहाबे काफ साल में कितनी बार करवट लेते हैं और किस तारीख को? सही जवाब है असहाबे काफ साल में एक ही बार करवट लेते हैं जो 10वें महरमुल हराम को, बाज ने कहा है हर 9 साल बाद।